इसे थोड़ा थोड़ा हल्का पास्ता डालना स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके पास्ता डाल दिया उन्होंने, अभी सभी पास्ते को जो मसाले को अच्छे अच्छे से पास्ते को जो मैंने देखिए मिक्स करके ले लिया, वो कितना टेस्टी लगा है ना, बहुत ज़बरदस्त इतना टेस्टी पास्ता लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब मसाले जो है मैंने मिक्स करके पास्ता देखिए रेडी हो गया है, कितना क्रीमी लग रहा है क्योंकि मेयोनीज का इस्तेमाल किए, चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हम लोगों ने, कितना क्रीमी लग रहा है टेस्ट करके बताते हैं आपको। देखिए वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, ये व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काफी दिनों के बाद व्लॉग बन रहा है ना, पांच दिन हो गए आज। ओके पांच दिन हम लोग जो वीडियो डाले नहीं थे, एक मेरे शॉर्ट वीडियो कुछ ज्यादा था। ओके इसके बाद वीडियो नहीं आया है तो आपको तो मालूम है इसका प्रॉब्लम क्या है, जब पिक्चर का वीडियो शूट कर रहा था वही वीडियो उन्होंने बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे। ओके वो लास्ट वीडियो में शूट किए थे, लास्ट में आपको तो मालूम है मेरी तबीयत जो खराब हुई थी और अभी खराब थी, अभी जरा ठीक हो गया है जरा, तो आज व्लॉग कल ही मैं ठीक हुआ, मैं जो फ्रेश लग रहा है, फिर आज से व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि बीमार में व्लॉग तो बन ही जाएगा, केबल बना जाता पर इसको एडिट करना थंबनेल केबल भी कर लेता था पर तब टाइम नहीं मिलेगा। ओके तब जम ही नहीं पा रहा था वो सब चीज, तबीयत खराब होने के वास्ते तक छुट्टी पड़ गई बीच में, गैप हो गया तो पांच दिन छुट्टी पड़ती ही नहीं पड़ती थी आपके लिए, तो फाइनली अभी ठीक हो गए, अभी एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आएंगे, जितने खड़े होते डबल एक्साइटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी तो सुबह हो गई है, ओके मैं नहा लिया हूँ, के बारे में नहा लिया है तो ये सब फ्रेश हो गए। सबसे पहले आपको नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद फिर वो पार्सल भी आने वाला है, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट से पार्सल ऑर्डर किए थे जब मैं बीमार था ना, तो जब के बाद फ्लिपकार्ट से पार्सल ऑर्डर किया था तो वो आज आने वाला है, संडे आज तो हो जाएंगे, आज आएगा वो, देखते हैं आप क्या मंगाया ना कि भाई। हाँ। तो चलिए फिर वो शॉर्ट वीडियो में डाला था, आई थिंक डाला था, शॉर्ट वीडियो में डाले थे कुछ, पार्सल वीडियो का भी डाला था मैंने। हाँ। मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ पार्सल का, तो अभी मैं अट्टा था इससे बीमार था। ओके आज 6 तारीख एकदम परफेक्ट हो गया है सब कुछ अभी, ओके ठीक है ना। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के लिए, करके ले लेते हैं, चलिए दूध है और बिस्किट है, बाद में पापा के बाद नाश्ता कर लेंगे, पहला मैं करके ले लेता हूँ। चलिए अभी मैंने तो नाश्ता कर लिया है, पापा मम्मी और केबा नाश्ता कर रहे, देखिए चाय मस्का और ब्रेड है ना के भाई, तो केबा नाश्ता करने के लिए बैठ गए, तो अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हमारा हो गया है। ओके नाश्ता करके होने के बाद अभी मेरे को एडिटिंग करना है, और एडिटिंग तो इतनी सारी एडिटिंग पेंडिंग है, दूसरे चैनल की भी मेरी एडिटिंग जो पेंडिंग रखा हूँ मैंने, दूसरे चैनल पर तो मैंने वीडियो ही नहीं डाला कम से कम, इसमें मैंने एक दो वीडियो डाला था, दूसरे में मैंने 15 दिन से वीडियो पेंडिंग पड़ा है। ओके सब कुछ एडिटिंग करना बाकी, अभी मुझे शाम हो जाएंगे आज एडिटिंग करने के लिए, तो मैं एडिटिंग करके ले लेता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, देखते हैं फ्लिपकार्ट का पार्सल कब आता है। चलिए अभी जो बज गए हैं शाम के 6, ओके मैं एडिटिंग करने के लिए लिया था 1:30 बजे, ओके अभी 6 बज गया, एडिटिंग थंबनेल सब कुछ जो है कंप्लीट हो गया अभी मेरा, तो अभी तक आप फ्लिपकार्ट का पार्सल जो आया नहीं है कि मैसेज आया फ्लिपकार्ट का, क्योंकि आज पैकेजिंग नहीं हुई है, आज दिया था मैं, आज दिया था 6 अगस्त को आएगा पार्सल, शाम 5 बजे कुछ दिया था पर नहीं आया, क्योंकि आज मैसेज आया अभी फ्लिपकार्ट वाले का कि आज पार्सल पैकेजिंग नहीं हुई है कुछ कारण की वजह से, तो कल आएगा सोमवार 7 तारीख को, तो कल फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या मंगाया हूँ। ओके वो आपको कल ही देखने के लिए मिलेगा कल के ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग तो एंड हो जाएगा, क्योंकि आज का छोटा बना है, कि आज पहला ब्लॉग था इसके बाद छोटा बनाएंगे। ओके तो कल आएगा फ्लिपकार्ट का पार्सल, तो बोले आज कुछ कारण की वजह से कैंसिल कर दिया, मैसेज आया हमको। ओके दिखाता आपको मैसेज, देखिए इस पर पापा के पे मैसेज आया, पापा के ने बुक किया मैंने देखिए। ओके इस पे मैसेज आया कि फ्लिपकार्ट का पार्सल नहीं आ सकता आज। ओके मैसेज आया फ्लिपकार्ट का देखिए पार्सल, क्योंकि आज नहीं आ सकता कुछ कारण की वजह से, 7 तारीख को पार्सल आएगा, मतलब कल 7 तारीख है। ओके तो कल पार्सल की डिलीवरी होगी, तो कोई बात नहीं जान दी। तो गाइस अभी ले लिया मैंने पास्ता बनाने के लिए, काफ़ी दिन हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा ही खा रहा था ना के भाई, है ना। हाँ खा लेते, थोड़ा थोड़ा खा लेते, खाना मन नहीं हो रहा था, मतलब तो पास्ता खाने का मन हुआ है, भूखा में कैसा मुँह कड़ू हो जाता है, तो सब कड़ू लगता है, पास्ता खाने का मन करा तो मैं पास्ता बना देते, आपको भी दिखा देता हूँ। ओके आज छोटा व्लॉग बनेगा, कैसे पहला ही व्लॉग है। ओके तो अभी तेल ले लेंगे, पैन गर्म कर लिए, तेल डाल देंगे।
तेल डाल देंगे अभी इसमें, अदरक से ना पेस्ट डाल देंगे अभी इसमें, ओके। और इसको ना अच्छे से भून देना है। अब इसमें क्या करेंगे, कटी हुई मिर्ची डाल देंगे, ओके, हरी, ओके। और अब इसमें क्या करेंगे, कटा हुआ जो मैंने कांदा था, दो कांदा लिया था मैंने काट के, ओके, ये भी डाल देंगे अब इसमें। और इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, दो शिमला मिर्च लिया काट के मैंने। अब इसमें डाल देंगे कॉर्न थोड़ा सा, ओके, बारिश का मौसम है तो कॉर्न लेके आए थे पापा ने, कॉर्न इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। और भी सारी जो सब्जी को है ना, जो भी कम कुछ भी शब्द आए ना, सबको अच्छे तरीके से भून देना अभी तेल में, ओके। अच्छे तरीके से तेल में भूनेंगे ना तो टेस्टी आएगा। तो अच्छे तरीके से ना इसको भून देंगे, फिर क्या आज छोटा व्लॉग बना काफी है ना कि भाई। हाँ, बहुत छोटा बन गया अभी, अब कल भी देखेंगे हम लोग बनाएंगे। थोड़ा अभी ट्राई कर रहे हम लोग, थोड़ी कमजोरी भी आ गई है, ओके, थोड़ा ऐसा ट्राई कर रहे हैं। अभी पार्सल बुक हो गया हमारा, भी आ जाएगा है ना। हाँ, वो पार्सल तो नहीं आया अभी, कैसे जाया था, शर्ट भी बुक करे अभी, दिखाते आपको बाद में। अभी जैसे सभी भून गया है अभी सब्जी अच्छे तरीके से, अभी क्या करेंगे, इसमें मसाला डाल देंगे कुछ, ओके। तो मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा धना पाउडर, ओके, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे अभी इसमें, आधा आधा चम्मच डालना है, ओके। अब इसमें डाल देंगे सब मसाला डालने के बाद इसमें डाल देंगे हमारा पास्ता मसाला, ओके। पास्ता बनाया तो पास्ता मसाला ज़रूरी है ना। हाँ, ज़रूरी है, तो पास्ता मसाला डाल देंगे अभी इसमें। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सेजवान, ओके, स्पाइसी लगा तो लगने के लिए। सभी मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ओके। तेल डालेंगे थोड़ा सा अभी, थोड़ा तेल डाल देंगे। और पास्ता देखिए उबर के रेडी हमारा, मैंने पास्ते को जो है बॉईल कर दिया है अभी अच्छे से, थोड़ा तेल डाल के फिर अच्छे से थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ओके। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी सब मसाले में नमक रहता है, पर थोड़ा डाल देंगे स्वाद अनुसार, तो टेस्ट अच्छी लगेगी, थोड़ी नमक डालेंगे तो स्वाद अनुसार। तो इतना सा डालना है, सिर्फ इतना सा नमक डाल देंगे, क्योंकि मसाले में नमक रहता है, शेजवान में नमक रहता है, ओके, सभी में नमक रहता है। फिर मिक्स कर देंगे वह अच्छे से और पास्ता डाल देंगे हमारा। और इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा चीज़ी आने के लिए मेयोनीज डाल देंगे। मैं चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा इसमें, है ना। हाँ, चीज़ का नहीं इस्तेमाल, मेयोनीज का इस्तेमाल करें, मेयोनीज का इस्तेमाल करेंगे। अभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मेयोनीज डाल दिया, अभी पास्ता डालने की बारी आ गई है। इसे थोड़ा थोड़ा हल्का पास्ता डालना स्टार्ट कर दिया मैंने, ओके। अभी पास्ता डाल दिया उन्होंने, अभी सभी पास्ते को जो मसाले को अच्छे अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाला जो नीचे है पूरा, ओके, दो चम्मच से अभी अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट रेडी है हमारे पास, है ना। हाँ, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी पास्ते को जो मैंने देखिए मिक्स करके ले लिया, वो कितना टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त, इतना टेस्टी पास्ता लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब मसाले जो है मैंने मिक्स करके ले लिया, उसमें कटा हुआ धनिया तो डालना बनता है, ओके। इतना टेस्टी पास्ता बना है, कटा हुआ धनिया इसमें डाल देंगे और इसको निकाल के टेस्ट करते हैं पहले। चलिए अभी धनिया डाल दिया, अभी निकाल मैश करके निकालते हैं प्लेट में, दे देते हैं अभी खाने के लिए। अभी ले लेते हैं, निकालते हैं, देखिए प्लेट में एकदम चीज़ें पास में, मेयोनीज डाला है मैंने, चीज़ नहीं डाला है ना। नहीं, चीज़ नहीं डाले, मेयोनीज डाले, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, गरम गरम एकदम। रेडी हो गए हैं हमारा पास्ता, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना क्रीमी दिख रहा है, मेयोनीज डाले ना उन्होंने तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। कभी केब बाय हमें टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा बना, देखिए पास्ता क्रीमी एकदम, पास्ता एकदम आसान तरीके से बन जाता है ना केब बाय। हाँ, अच्छे से बन गया, खा के टेस्ट के बता दें। चलिए देखिए पास्ता जो रेडी हो गया है, अभी टेस्ट करता, देखिए ऊपर से मेयोनीज भी डाल दिया है, एकदम क्रीमी, देखिए टेस्ट करके बताता हूँ आपको, देखिए अभी टेस्ट कर लेता हूँ पास्ता, देखिए
बहुत ही टेस्टी बना है ना केबाब। हाँ अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी केबाब। टेस्ट अच्छा आ रही है, मैंने उसकी टेस्ट आ रही बोल, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमी बना है, अच्छा लगता है ऐसा खाने के लिए, बहुत ही अच्छा है, स्पाइसी भी है और टेस्टी भी, और बिना चीज़ का बना है। सॉसेज में मैंने कुछ डाला नहीं है ना, नहीं सॉसेज नहीं डाले, चिली सॉस सोया सॉस वाला ब्लैक सॉस में डाला, इसके बिना हम आज ट्राई करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैं बनाया था वीडियो है ना, वो सब सॉस डाल के पास्ता बनाया है, तो अलग टाइप का पास्ता नहीं बनाया था इस तरीके का, बहुत ही टेस्टी बना है गाइस, आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, खा के ले लेते चलिए। कोई बात नहीं, मैंने 7 तारीख को डिलीवर होएगी तो चलेगा, 7 तारीख को ले लेंगे, कल सुबह आ जाएगा, कल भी ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो अभी आज जो पास्ता बना खाने का मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि इतने से मैंने इतना सादा खाना खाया हूँ, ओके सादा खाना खाने के बाद डॉक्टर की गोली वगैरह, फिर मैं खाने का कुछ मन नहीं किया, पर आज मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो मैं आज पास्ता मेरे स्टाइल से बनाऊंगा, मेरे स्टाइल से ओके पास्ता, तो आपको आज पास्ते की रेसिपी देखने के लिए मिलेगी। ओके तो चलिए पास्ता बना के ले लेते हैं, मुझे और एक ऑर्डर बुक करना है, पापा के लिए शर्ट बुक करना है, ओके पापा को शर्ट लेना था काफ़ी दिन से, तो के बाय में सोचे मम्मी सोचे पापा के लिए शर्ट बुक कर लेते, तो पास्ता खा लेंगे फिर हम लोग शर्ट जो है फ्लिपकार्ट से बुक कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। चलिए पास्ता बनाते हैं अभी, तक आके हो गया, तो केब भाई क्या कर रहा है अभी? अभी शर्ट बुक कर रहा हूँ पापा के लिए, जो हमने शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ। ये वाला शर्ट ऑर्डर केब भाई ने पसंद किया है ना? हाँ, पसंद किया मैंने। पापा को ये पसंद आया, पसंद आया। ये वाला शर्ट देखिए, काफी अच्छा शर्ट है, प्रिंटेड शर्ट, मुझे ही मंगाना है ना? हाँ। मुझे मैं पहले मैं पापा को मंगा लेता हूँ, और दूसरा जो पार्सल है फ्लिपकार्ट का, तो फिर ये दोनों जो मैं दो वो कल आएगा, और ये कब आएगा केब भाई? 10 तारीख को आएगा। तो 10 तारीख को ये ऑर्डर जो है बता रहा है, उन्होंने किया है ऑर्डर। हाँ। चलिए 10 तारीख को आपको देखने मिलेगा ये शर्ट है ना? हाँ मिलेगा, देख चलिए चलिए देखिए बुक करे, ओके ये वाला उन्होंने ब्रांड का जो है मैट्रेस बुक करे, ये वाला ओके फोल्डिंग वाला है, फोल्डिंग अच्छी क्वालिटी वाला है, अच्छी क्वालिटी वाला। हाँ। ओके वो इसका क्या हुआ तो आपको बताया ही नहीं मैंने, आपको बता दे वो गद्दा जो क्या हुआ। चलिए जो लिए थे ना वीडियो मैंने बनाया था फर्नीचर की दुकान में, हम लोग गए थे जो गद्दा लेने के लिए, तो वो गद्दा आ भी गया था, आपको कुछ दिन वीडियो में दिख रहा भी होगा, वो पीछे आपको दिख रहा होगा कुछ दिन, पर वो वापस दे दिया हम लोगों ने, क्योंकि इसमें वो खराब ही निकली, वो डिफेक्टिव माल था, तो मैंने कॉल तो किया था क्योंकि बारिश के समय लेके नहीं जा पा रहे थे, ओके टेम्पो में भी अगर गिल्ला हो गया वो तो मुश्किल हो जाएगी ना, उन्होंने बोले कोई जल्दी नहीं है, बारिश रुक गई तो भिजवा देना, तो बारिश अभी रुक गई थी कुछ 3 दिन पहले, तो जब ये गद्दा उन्होंने मेजर बीमार था जब उन्होंने वो टेम्पो करके इसको भिजवा दिए, ओके इसके लिए उन्होंने वो ऑनलाइन बुक करे, वो बोले ऑनलाइन बुक करे फोल्डिंग मैट्रेस, फोल्डिंग मैट्रेस हमने बुक करे, देखते हैं कल आएगा वो आपको देखने की मिलेगा। चलिए अभी और जो कुछ काम बचा है इंस्टाग्राम का, ओके रील वील अपलोड करना है मुझे, वो करके ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सब काम पेंडिंग पड़े, पढ़ाई से लेके मैं सब काम पेंडिंग पड़े, क्योंकि मैं उठा भी नहीं था जगह से, तो अभी सब काम करके लेते। चलिए खाना खाने के लिए बैठ गए, देखिए खाने में केबाब ने बनाया राजमा और खीमा मसाला, देखिए राजमा खीमा मसाला और साथ में चावल और पापड़, तो खा के ले लेते हैं। चलिए खाना गाइस, अभी खाना खा के हो गया है ना के भाई? हाँ, खाना वाना खा लिया अभी हम लोग ने, तो खाना खा के अभी हो गया है, तो आज का वीडियो एंड करने की बारी आ गई है, अगर आपको वीडियो देखना पसंद होगा तो लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, जरूर करिएगा। ओके तो कल पार्सल आ जाएगा ना फ्लिपकार्ट जो पहला मैट्रेस बुक किए थे, कल सुबह आ जाएगा, सुबह आएगा तो फिर मैं देखते, तो कल मुझे स्कूल भी जाना है, क्योंकि अभी 10 दिन के बाद स्कूल जाना है, क्योंकि तबियत खराब थी 15 दिन के बाद कि स्कूल नहीं जा रहा था मैं, तो बारिश भी थी, वैसे भी काफ़ी छुट्टी भी मिली स्कूल की तरफ से, तो मिली थी मेरी तरफ से भी काफ़ी छुट्टी हुई है, क्योंकि अभी तो ठीक हो गया है, अभी जा सकता हूँ मैं, है ना कि भाई? हाँ जा सकता है अभी, तो फ्रेश तो हो गया अभी, फ्रेश हो गया अभी, तो अभी कल से स्कूल स्टार्ट कर लूँगा जाना, तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, जल्दी मिलेगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।